सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकअल्लाह। भवों के बाल मिले हों तो क्या काट सकते हैं? भवें यानी आईब्रोज के दरमियान बाल अगर ज़्यादा हों तो क्या मर्दों के लिए इनका काटना या कम करना जायज़ है? फहद साहब एबट आबाद से पूछते हैं। इन्होंने मर्दों के लिए पूछा है, यानी मर्द आईब्रोज बना सकता है कि नहीं? तो भाई नहीं बना सकता। जैसे ख़वातीन के लिए नाजायज़ है, मर्दों के लिए भी नाजायज़ है। अलबत्ता ख़वातीन के बाल अगर बहुत ज़्यादा घने हैं, जो ये जो हदीस में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईब्रोज के बाल औरत को नोचने से मना किया और उस औरत पर लानत फरमाई है, तो उलमा कहते हैं इसकी इल्लत है तग़यीर खल्क़िल्लाह, यानी अल्लाह की बनाई हुई शक्ल को बिगाड़ रहे हैं आप। तो अगर किसी खातून के बाल बहुत ज़्यादा भद्दे हों, यानी ऐसे हों कि वो खल्क़िल्लाह इस तरह होती नहीं है, बिल्कुल मिले हुए हों और बहुत घने हों, बहुत ही बुरे भद्दे लग रहे हों, बिल्कुल वाज़ फ़र्क हो, तो फिर उस खातून के लिए गुंजाइश है कि वो शोहर के लिए ज़ीनत इख्तियार कर सकती है, और इतने कि वो नॉर्मल ख़वातीन की तरह हो जाएं। ऐसा नहीं कि वो खूबसूरत बनाए अपने आप को, बारीक वो बनाने की कोशिश करे, ऐसा नहीं, बल्कि इतने जितना आम तौर पर ख़वातीन के बाल होते हैं, इस हद तक नोच सकती है। तो ये ख़वातीन का हुक्म है। मर्दों के बारे में मुझे ऐसी कोई वो गुंजाइश की बात नहीं मिली। हो सकता है मर्दों के लिए भी गुंजाइश हो के बहुत ही भद्दे हों, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए मैं इस बारे में कोई फतवा नहीं दे सकता। आप दूसरे उलमा से इस बारे में रुजू कर लें। मजारों